IVF के सक्सेस रेट आप बता रहे हैं कि इसके सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की संख्या बढ़ रही है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज मैंने एक शब्द बोला आपको कि जैसे डायबिटीज फैल रहा है ऐसे ही इनफर्टिलिटी फैल रही है भारत के अंदर। तो जब नहीं होगा तरह तरह के डिफरेंट ट्रीटमेंट लेने के बाद क्या सोचता है आदमी? आज कोई अगर ई रिक्शा भी चला रहा है तो वो पैसे जोड़ता है कि मैं IVF कराऊंगा। और आज आपको हंसी आएगी, मैं एक बात बोलूंगा, जब आप IVF सेंटर्स पे जाएंगे तो लोन भी देते हैं कि EMI कराओ और IVF कराओ, तो EMI की फैसिलिटी भी है। तो अब कोई भी जाएगा तो वो बेबी की मतलब सबको चाहिए, लड़का हो लड़की हो, चाहिए एक सबको। अब जो जाएगा तो IVF वाले बोलेंगे देखो बेटा आप EMI कराओ। लाइक मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैंने कम से कम आज अभी तक मेरे पास 100 पेशेंट एक ऐसे आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि सर EMI भर रहे हैं हम, लेकिन IVF की EMI भर रहे हैं, वो फेल हो गया था लेकिन EMI अब भी चल रही है। तो EMI की फैसिलिटी भी लोग दे रहे हैं, इसलिए जाना पसंद करते हैं, ये कुछ तो मिलेगा लोगों, क्योंकि आज प्रेजेंट सिनेरियो की स्थिति ये है, लोग सोचते हैं कि 80-90% रिजल्ट है, क्योंकि 80 तो मुँह से ही बोलते हैं हम IVF सेंटर से लोग जो है, बट रिजल्ट क्या है आप 20-30-40 से अप्रोक्स रिजल्ट है। लेकिन हर किसी की इच्छा होती है कि वहां जाएंगे तो शायद हमारा काम बन जाएगा, और बनने के बाद वो फेल हो जाता है। फिर लोग कहते हैं सर अभी तो EMI भर रहे हैं, मेरे पास एक पेशेंट 6 IVF करा के आया था, 20 लाख रुपीज खर्चा हो चुका है उसका, तो उसी के बेस पर हम आगे बात कर रहे हैं, आगे ट्रीटमेंट चला रहे हैं, हमारा भी क्या रह जाता है, क्योंकि सारा तो यूट्रस खराब कर चुके हैं। फिर हम लोग भी उसको आगे देखते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसको जोड़ते हैं, पर्टिकुलरली योग सिद्धांत मेडिसिन, खान पीन लाइफ स्टाइल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ गोल्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिससे कि बेबी जल्दी से जल्दी हो सके। मेरे यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं भी गॉड हूँ, मेरे यहाँ भी रिजल्ट आप ये मान के चलिए 60% का अप्रोक्स मेरा चल रहा है, 60-70%। अब ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हम लोग नेचर से जोड़ के करते हैं, और उसको जो है पर्टिकुलरली गोल्ड है, सिल्वर की बस में है, वट एवर एनीथिंग, और यूट्राइन स्वेलिंग और वट एवर, तो बहुत अच्छा ट्रीट करके उसको करते हैं, तो वो ठीक हो रहे हैं और सक्सेस रेट आगे जा रहा है। देखिए जब नेचुरल चीजें काम नहीं करती तभी हम तकनीक का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि अगर हम कुदरती तौर पर दुरुस्त हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो फिर इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो हम लौटते हैं उसी तरफ कि आपके लिहाज से ये जो स्पर्म काउंट है, हमारा जब स्पर्म खराब होता है, इसकी क्वालिटी खराब होती है या स्पर्म काउंट डाउन होने लग जाता है, तब हम दूसरी तरफ को जाते हैं कि कोई डोनेट कर दे स्पर्म, या फिर हम किसी से और तरीके से। तो ये जो स्पर्म खराब होना या स्पर्म काउंट गिरना, इसकी वजह क्या है? ये स्पर्म काउंट गिरना ये आज की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे आपने बताया ये लो स्पर्म होना, भाई जो आप इसकी काउंटिंग जो है ना अलग अलग लैबों की अलग अलग है, आपने ये भी क्वेश्चन किया था कि काउंट्स क्या है, जैसे कोई लैब तो आइडियली जैसे हम डॉक्टर लाल पैथ से या किसी सेंटर से कराते हैं तो वो ये कहते हैं कि 16 मिलियन से नीचे, 16 मिलियन तो चाहिए ही चाहिए, 16 मिलियन से अबव होना चाहिए, इससे नीचे तो कम रहेगा। अब कुछ लैब ऐसी हैं जैसे नियर लोकल लैब्स हैं तो वो कहती हैं कि भाई 60 मिलियन टू 120, वो वेरिएशन में आ जाता है, तो लेकिन ये कहते हैं कि 50 मिलियन तो से अबव होना चाहिए तब बेबी होगा, अगर 50 मिलियन 50 मिलियन से कम है तो सक्सेस रेट नहीं आएगा, फेल हो जाएगा, चाहे आप नेचुरल भी ट्राई करोगे। अब ये कम क्यों होता है? पहला है मेल पार्टनर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसके स्ट्रेस इतना है, वर्क है, बॉस की सुनना, ये वो वट एवर, पहला उसके साथ हमारा आहार विहार, हमने बहुत ज़्यादा जंक फूड में बहुत ज़्यादा, जितना भी चाउमिन बर्गर जंक फूड है, ड्रिंक एडिक्शन, स्मोकिंग वगैरह, इनसे स्पर्म काउंट खराब होने लगता है। अब एक चीज़ और है, एक सबसे मेन पॉइंट आता है नील स्पर्म, नील मतलब जीरो स्पर्म है। ऐसा क्यों है? नील स्पर्म में क्या होता है कि जैसे मतलब हमने कोई एडिक्शन भी नहीं कर रहे बट हमारा नील स्पर्म हो गया, तो कोई चोट लग जाना या कोई छत से गिर जाना जो है टेस्टिस पार्ट पे, तो इस कारण से वो दिक्कतें आने लगती हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो है इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है, और अनदर प्रैक्टिस पर थोड़ा सा कम है, ये कहना मैं चाहूँगा। अच्छा, मास्टरबेशन से क्या फर्क पड़ता है? मास्टरबेशन से आज ये भी जो है, हम जैसे 24 आवर में अगर मैस्टुबेट करते हैं 24 आवर में तो उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। आज की जो मतलब आजकल के नौजवान जो हैं बहुत ज़्यादा वन डेज में 2 टाइम 3 टाइम और रेगुलर इंटरवल में जो है कंटिन्यू करते हैं, तो एक टाइम पे धीरे 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 स्पर्म काउंट कम होने लगता है, तो ये एक बैड हैबिट है, तो इसका जो है हमें अवरोध ही करना चाहिए, ज़्यादा तो इसका इस्तेमाल ना करें, तो जिससे कि स्पर्म काउंट
बिल्कुल कम हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा परेशानी आती है, बहुत इसमें डाइवोर्स जैसी स्थिति लोगों के बीच में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आते हैं बहुत परेशान रहते हैं इस कंडीशन। अच्छा, शादी की सही उम्र आपके लिहाज से, जैसे पहले भी लोग कहते थे ना कि ये जब सही उम्र पे अगर शादी करा दो तो बच्चा भी हष्ट पुष्ट पैदा हो जाए, बिल्कुल, तो आपके लिहाज से सही उम्र क्या है शादी के लिए? अगर एग्जैक्ट एज को हम चुने तो मेल पार्टनर के लिए हम 22 बोल सकते हैं, 22 से 25 बेस्ट है, और फीमेल पार्टनर के लिए 20 से लेकर 22 तक बेस्ट है। और इसके अंदर भी जो ये सोच लेगा शादी के एक साल तक में बेबी अगर कर लेता है तो बेस्ट है, अगर वो ये कहता है कि नहीं अभी तो हम इंजॉय करेंगे, हम तो बाद में सोचेंगे, बिकॉज जो शादी होती है उस टाइम पे जो हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, जो सेक्सुअल पावर है, वेरी गुड क्वालिटी की होती है, उस टाइम जो चूक जाता है तो फिर उसका जो है फर्टाइल रेट धीरे 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 कम होने लगता है। तो यही चीज जो है इसमें बेस्ट है कि भाई शादी के एक से दो साल में बेबी करना मस्ट हो जाता है, उसके बाद आप अपने लाइफ को एंजॉय करो, एक बेबी हो जाए उसके बाद करो ना करो आई डोंट नो, लेकिन फर्स्ट पे ही, ये तो सभी लोगों को सलाह देता हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल के लोग हैं मैंने सबको ये सजेशन देता हूँ कि ये बेस्ट है कि 1 to 2 ईयर में कर लो, उसके बाद जो करना है करिए। तो वो क्या होता है कि जो पावर है उस टाइम की वो बहुत गुड एनहांस क्वालिटी की है, फिर उसमें रेगुलर इंटरवल से सेक्सुअल एक्टिविटी होने से स्पर्म भी कम होता है, फीमेल एक्टिविटी फीमेल हार्मोन भी इम्बेलेंस होते हैं, तो फिर जो है चांसेस ऑफ कंसीव कम होते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज और जैसे जैसे शादी का जो टाइम बढ़ता जाता है उस कंडीशन से।